हाय स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था टाइप ऑफ टैरिफ। तो टाइप ऑफ टैरिफ में आपने पढ़ चुके हैं सिंपल टैरिफ किसे कहते हैं, ब्लॉक रेट टैरिफ किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके इसके भी तीन पार्ट थे, तीनों पार्ट को पढ़ा। ब्लॉक रेट टैरिफ भी दो प्रकार का था, तो उसको भी पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वह है टू पार्ट टैरिफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं टू पार्ट टैरिफ होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए क्या है, टू पार्ट टैरिफ जैसे नाम से स्पष्ट है कि दो पार्टों से मिलकर बना है। ठीक है, जो टू पार्ट टैरिफ होता है दो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे हम टू पार्ट टैरिफ कहते हैं। दोनों पार्टों को हम अलग अलग क्या नाम तरीके से उसकी कैलकुलेशन की जाती है, इसलिए इसे टू पार्ट टैरिफ कहते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट होता है उसका कैलकुलेशन जो होता है मैक्सिमम डिमांड पे निर्भर करता है। ठीक है, जो भी उसका जैसे मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दोनों का निर्धारण अलग अलग होता है, तो इसलिए पहले पार्ट का जो भी हम निर्धारण करते हैं वो आपके मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है। जबकि दूसरा जो पार्ट होता है उपभोक्ता द्वारा, जो भी कंज्यूमर है वो कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला आपने देखा पहला पार्ट क्या है, मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर कर रहा है, जबकि दूसरा पार्ट आपका कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर निर्भर कर रहा है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो पहला पार्ट है वो आपका फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आ रहा है, फिक्स कॉस्ट इसे कहेंगे, तथा जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम रनिंग कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने देखा था फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत क्या आते हैं, रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत क्या आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से इस प्रकार हम क्या करते हैं, टू पार्ट टैरिफ द्वारा हम किसी भी उपभोक्ता का हम टैरिफ की गणना करते हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है जो टोटल कॉस्ट बराबर होता है, एक आपने देखा ए किलोवाट बी किलोवाट हावर। ठीक है, इसका मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए जो होता है वो आपका फिक्स कॉस्ट का मतलब आपका ए प्रति किलोवाट का फिक्स कॉस्ट होता है आपका रुपये में। ठीक है, जबकि जो मैक्सिमम डिमांड पे निर्भर करेगा। ठीक है, दूसरा आपका किलोवाट जो आवर होता है वो मैक्सिमम डिमांड का किलोवाट है। ठीक है, जो मैक्सिमम डिमांड है किलोवाट में हम उसे मेजर करेंगे। जबकि बी क्या है, आपका फिक्स कॉस्ट है ऊपर पर किलोवाट आवर, जो भी आपका कंज्यूमर है जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है प्रति घंटे, जो मतलब एक किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग उसका फिक्स कॉस्ट बी रुपये में होता है। ये आपका किलोवाट आवर होता है, यूनिटों की संख्या होगी वो कितनी एनर्जी आपका कंज्यूम उपभोक्ता कर रहा है। तो इसके फार्मूले के अनुसार टोटल कॉस्ट ए के डब्ल्यू प्लस बी किलोवाट आवर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टू पार्ट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ आपके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो इसको या तो हम मेरिट्स कहते हैं। तो मेरिट्स क्या है, देखिए जो आपका टू पार्ट टैरिफ एक ऐसा टैरिफ है जो आपका जो फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम डिमांड के अनुसार आपका उसका रेटेड किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका टू पार्ट टैरिफ होता है एक ऐसा टैरिफ है जिसका जो फिक्स कॉस्ट होता है मैक्सिमम डिमांड के अनुसार उसको तय किया जाता है, ये इसकी मेन बात है। लेकिन इसी यही इसका आगे आप जब पढ़ेंगे दूसरा, जब अब इसका डीमेरिट पढ़ाऊंगा तो उसका डिसएडवांटेज भी है, जो इसका एडवांटेज है वही उसका डिसएडवांटेज भी है। तथा इसके इससे पहले दूसरा, इस टैरिफ का जो भी आपका कैलकुलेशन करना काफ़ी सरल होता है। ठीक है, इससे उपभोक्ता को आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, इसको तो मेरिट है जो हर में आएगा। उसके बाद है आपका डीमेरिट है। ठीक है, तो डीमेरिट में क्या है, देखिए कि वही बताया, जो इसका प्लस पॉइंट था इसी का नेगेटिव पॉइंट है। जैसे क्या था, इसका प्लस पॉइंट यही था कि जो आपका टू पार्ट टैरिफ होता है वो नियत जो भी आपका कॉस्ट होता है और अधिकतम मतलब मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है। तो दिक्कत ये है कि मान लिया कोई ऐसा उपभोक्ता है, ठीक है, उसका उदाहरण बताता हूँ, कोई एक ऐसा उपभोक्ता है जो पूरे एक महीने तक वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लिया कोई उपभोक्ता है जो क्या है कि उसने 10 दिन हुआ, 10 डे किया या 30 दिन उसने उपयोग किया, लेकिन इस बीच उसने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी क्या नाम है उपयोग नहीं किया,
तभी भी उसे फिक्स कॉस्ट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। जो फिक्स कॉस्ट आपका ए होगा मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग उसे देना पड़ता है, तो इसका बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है। इसके अलावा कोई भी उपभोक्ता का आपका मैक्सिमम डिमांड तभी आप कंसीडर कर पाएंगे जब आपका उस कंज्यूमर का जितने भी लोड हैं वो पूरी तरह से एक साथ कनेक्टेड हो, तब हम उसको मतलब कंसीडर कर सकते हैं, जो आसान नहीं है, ठीक है। तो इसका ये डीमेरिट है। इसके अलावा जो दूसरा आपका इसमें है, थ्री पार्ट टैरिफ है। तो थ्री पार्ट टैरिफ ये आपका जिस तरह टू पार्ट टैरिफ का कैलकुलेशन था उसी तरह आपका थ्री पार्ट टैरिफ का भी कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन इसमें थ्री पार्ट होने के कारण इसको थ्री पार्ट में कैलकुलेट किया जाता है, इसी कारण इसे थ्री पार्ट टैरिफ कहते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बिल्कुल नियत रहता है, मतलब बिल्कुल आपका फिक्स रहेगा। क्या होगा? बिल्कुल आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। फिक्स रहेगा मतलब ये है कि ये इससे पहले वाले में जो टू पार्ट टैरिफ था, तो आपने देखा जो पहला पार्ट था वो मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये आपका मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल ही आपका फिक्स रहता है। जबकि जो दूसरा पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट होता है, वो भी आपका फिक्स रहता है, लेकिन जो भी कंज्यूमर का जो मैक्सिमम डिमांड है उस पर निर्भर करता है। जैसे आपका टू पार्ट टैरिफ का जो फर्स्ट पार्ट था, तो उसी तरह है जो मतलब सेकेंड पार्ट होगा थ्री पार्ट टैरिफ में, वो नियत रहता है, लेकिन जो उपभोक्ता की मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है। जो आपका थर्ड पार्ट है, जो भी कंज्यूमर द्वारा विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूनिट जो यूनिट में कंज्यूम कर रहा है उस पर निर्भर करेगा आपका थर्ड पार्ट। तो इस तरह से आपने देखा थ्री पार्ट जो टैरिफ है तीन पार्टों से मिलकर बना, इसीलिए इसे थ्री पार्ट टैरिफ कह रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल नियत रहता है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जो द्वितीय पार्ट होता है, जो सेकेंड पार्ट होता है, वो भी नियत रहता है, लेकिन उपभोक्ता के मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है। जबकि जो तृतीय भाग है आपका, जो थर्ड पार्ट है, वो कंज्यूमर द्वारा जितनी इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर रहा है उसकी यूनिटों पर निर्भर करता है। इसके लिए भी फार्मूला है, टोटल कॉस्ट बराबर ए प्लस बी किलोवाट आवर प्लस सी किलोवाट आवर रुपये में। जबकि जहाँ यहाँ पर ए क्या है, आपका फिक्स कॉस्ट है जो रुपये में है, जबकि बी आपका फिक्स कॉस्ट है पर किलोवाट है वही मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग, सी आपका फिक्स कॉस्ट है पर ये आपका एक यूनिट के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी आपका कंज्यूम कर रहा उपभोक्ता, ठीक है। तो इस तरह से आपका थर्ड पार्ट का ये आपका थ्री पार्ट टैरिफ था। थ्री पार्ट टैरिफ का एडवांटेज ये है, इसका सबसे मेन आपका मेरिट क्या है, देखिए मेरिट है आपका कि इसमें केवल इसी टैरिफ में तीनों वास्तविक जो कॉस्ट होते हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उपभोक्ता से उसकी टैरिफ का निर्धारण करते हैं। तो बस यही एक ऐसा टैरिफ है मतलब जिसके जिसके द्वारा हम तीनों वास्तविक जो आपके जो कॉस्ट होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उपभोक्ता से उसके मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब टैरिफ डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिससे क्या है कि इसमें अभी ने आपने देखा कि इसको हम क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो तीन पार्ट में डिवाइड करने से ये हो जाएगा, क्योंकि इसका जो भी फिक्स कॉस्ट आपका मैक्सिमम डिमांड के लिए एक अलग से उपकरण लगाना पड़ता है, तो मैक्सिमम डिमांड के लिए अलग से उपकरण लगाने के कारण ये काफ़ी आपका महंगा हो जाता है, ठीक है। तथा इसका कैलकुलेशन करना भी काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट के लिए जो आपका अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो सेकेंड पार्ट के लिए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट के लिए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए काफ़ी इसका मतलब कैलकुलेशन करना सरल नहीं है, ठीक है। तथा इस टैरिफ के अनुसार बिल बनाने में भी काफ़ी आपका समय लगता है, इसका क्या है आपका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने दो टैरिफ पढ़ाई के करके, पहला टू पार्ट टैरिफ क्या है, ठीक है, उसके अलावा फिर इसके बाद देखा कि आपका थ्री पार्ट टैरिफ क्या है, ठीक है, थ्री पार्ट टैरिफ क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो टैरिफ, इसमें आपने अभी तक जितने भी टैरिफ पढ़ा वो इम्पोर्टेंट है सब, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है जो पांचवें नंबर का जो टैरिफ है वो है आपका मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, ठीक है। आइए देखते हैं,
जो मैक्सिमम डिमांड टैरिफ है आपका, ये आपका टू पार्ट टैरिफ का एक प्रारूप है। जो भी मैक्सिमम डिमांड टैरिफ होता है वो टू पार्ट टैरिफ का एक प्रारूप है, उसी का एक रूप है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें हम क्या है कि जो भी उपभोक्ता का मैक्सिमम डिमांड का निर्धारण, जो भी जैसे उपभोक्ता का टू पार्ट टैरिफ में आपने देखा था, जो सेकेंड पार्ट था वो मैक्सिमम फर्स्ट पार्ट था वो मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता था। उपभोक्ता का मैक्सिमम डिमांड जितना है उसकी के अकॉर्डिंग टैरिफ का रेट कंसिडर किया जाता था। तो इसमें भी जो भी अधिकतम मांग, जो मैक्सिमम डिमांड का निर्धारण होता है, हम मैक्सिमम डिमांड उपकरण होते हैं या सूचक केंद्र होते हैं जिसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में हम क्या करते हैं, उस दोष को दूर कर रहे हैं जो टू पार्ट टैरिफ में जो मैक्सिमम डिमांड क्या था वो लगातार आपका फिक्स रहता था। क्योंकि हम क्या करते थे, एक बार सारे लोड को कनेक्ट कर देते थे, जैसे एक ही बार हम क्या करते हैं सारे लोड को कनेक्ट कर देते थे। सारे लोड को कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते थे, मैक्सिमम आपका जो भी डिमांड है उसकी वैल्यू आपकी फिक्स कर देते थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फिक्स कॉस्ट लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में उसी कमी को दूर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट करने के लिए एक हम सूचक यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं जो निर्धारित उसका अलग अलग मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू को निर्धारित करता है, जिससे जो आपके टू पार्ट टैरिफ में जो दोष था, जो मान कोई भी कंज्यूमर ऐसा था जो 10 दिन या 5 दिन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता था, तभी भी उसको फिक्स कॉस्ट का मतलब उसकी रेट देना पड़ता था, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, उस चीज़ को दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला वही है, टोटल कॉस्ट बराबर ए किलोवाट प्लस बी किलोवाट आवर। तो ये आप जानते हैं, ए आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट है, ये आपका जो भी कंज्यूमर है जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसकी वैल्यू है, किलोवाट आवर जो एनर्जी मापते हैं, यूनिट में मापते हैं, एक यूनिट का है वो फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा कि जो भी आपके टू पार्ट टैरिफ में जो दोष था, ठीक है, कि जैसे मान ले कोई भी कंज्यूमर है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है, तभी उसे फिक्स कॉस्ट देना पड़ता था, जो हमने निर्धारित किया था उसके अकॉर्डिंग उसको चार्ज देना पड़ता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डिमांड को कंसिडर करने के लिए एक मैक्सिमम डिमांड उपकरण लगाते, इक्विपमेंट लगाते हैं जो मेजर करता रहता है कि उस कंज्यूमर का जो मैक्सिमम डिमांड कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे देना पड़ता है बिल में। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष निकलता है, इसमें जो भी आपका मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू आपको कम देनी पड़ती है, कभी कम देनी पड़ती है। ठीक है, ये रहा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। इसके बाद है आपका पावर फैक्टर टैरिफ। ठीक है, देखिए पावर फैक्टर टैरिफ क्या है कि ये भी एक आपका टू पार्ट टैरिफ का एक विकसित रूप है। ठीक है, जो भी पावर फैक्टर टैरिफ है ये भी क्या है आपका टू पार्ट टैरिफ का एक विकसित रूप है। यदि यदि क्या होगा, पावर फैक्टर कम होगा तो उपकरण की जो आपका अनडिटरमाइंड जो कैपेसिटी होगी काफ़ी अधिक होगी, तथा जिस अब अधिक होगी तथा लाइन में होने वाली जो लॉसेस होती हैं काफ़ी अधिक होती हैं, जिसके कारण क्या है कि जो उपभोक्ता को अधिक चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, क्या होगा कि जो भी आपका ट्रांसमिशन लाइन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगा उसमें लॉसेस बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो भी उपभोक्ता का जो चार्ज होगा, कॉस्ट होगा, वो काफ़ी अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपका पावर फैक्टर टैरिफ में है। इसके अलावा यदि शक्ति जो भी आपका पावर फैक्टर गुणांक अगर क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, तो आपको जो भी कंज्यूमर होगा उसकी टैरिफ आपकी सस्ती होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पावर फैक्टर टैरिफ है, इसको लाने का उद्देश्य बस यही है हमारा कि पावर फैक्टर को हम किसी तरह उसका इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, ताकि लोगों को ये बाध्य किया जाए, मतलब बांधा जाए कि वो ये मतलब लो पावर फैक्टर की मतलब उपकरणों का उपयोग ना करें, ठीक है, हाई पावर फैक्टर का उपयोग करें। ठीक है, तो बाद में पावर फैक्टर टैरिफ को 3 भाग में बांटा गया क्रमशः, एक आपका किलो केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, उसके बाद किलो हाट हावर केवीआरएच टैरिफ, उसके बाद है एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ। पहले देखते हैं केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ।
तो देखिए क्या है कि जो केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ है इसमें कोई अलग नहीं है, ये भी टू पार्ट टैरिफ का एक रूप है, जिसमें जो मैक्सिमम डिमांड था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैक्सिमम डिमांड होता है वो किलोवाट की जगह न होके हम केवीए में कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम डिमांड वो किलोवाट की जगह रिप्लेस कर देते हैं बाई केवीए, ठीक है। तो बस यही अंतर है, क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम डिमांड को हम किलोवाट में जो मेजर करते थे टू पार्ट टैरिफ में, उसी में हम क्या कर रहे हैं कि आपका केवीए में मापने का कार्य करते हैं, बस ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, आपको केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ करेंगे। इसका कोई फार्मूला निकालना रहे टोटल कॉस्ट बराबर, तो टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएगा आपका ए, बस उसको किलो वाट की जगह केवीए कर देंगे, अब बी किलो वाट आवर होगा, ये तो रहेगा ही, ठीक है। इसका फार्मूला है इसका केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ का। इसी तरह नेक्स्ट है आपको किलो वाट आवर या केवी आर, इसे आपका दूसरे नाम से भी जानते हैं, किलो वाट आवर या किलो वाट एम्पियर, एम्पियर रिएक्टी हावर टैरिफ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हम क्या करते हैं कि हम एक्टिव पावर तथा रिएक्टिव पावर को दोनों को हम अलग अलग, क्या नाम है, हम क्या करते हैं, जो भी उपभोक्ता होता है ठीक है, उसको हम जो भी आपका एक्टिव पावर होता है तथा रिएक्टिव पावर को हम क्रमशः आपका किलो वाट आवर तथा के बी आर जो एनर्जी मीटर होते हैं उसके अनुसार अलग अलग हम मापी जाती है, ठीक है। तथा आपका जो रियल पावर, एक्टिव पावर तथा जो रिएक्टिव पावर का जो भी उसका कॉस्ट होता है अलग अलग रखा जाता है, और ऐसा जानबूझकर किया जाता है कि हम जो कि आपका रिएक्टिव जो पावर होता है ठीक है, उसकी पर यूनिट की रेट आपका अधिक होता है कंपेयर टू आपका एक्टिव पावर के कारण, तो जिसके कारण उपभोक्ता मतलब डर के कह सकते हैं, या मतलब उसको नुकसान न हो ठीक है, इसलिए क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्टिव पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिससे आपकी उसकी पावर फैक्टर में इम्प्रूवमेंट होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी दूसरा आपका था ये भी आपका टैरिफ उपभोक्ता से पावर फैक्टर को सुधार के लिए बाध्य किया जाता है, ताकि वो पावर फैक्टर को सुधार सके। इसके लिए फार्मूला है टोटल कॉस्ट बराबर ए किलो वाट प्लस बी किलो वाट हावर प्लस सी किलो वाट बार्च होता है, ठीक। इसे रिएक्टिव पावर को मेजर किया जाता है, ए एक्टिव पावर है, ये आपका फिक्स कॉस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक फार्मूला था, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी इसका है, जैसे कि इसमें बताया कि हम क्या करते हैं कि जो भी रिएक्टिव पावर की रेट होता है इसके तुलना में ज़्यादा रखते हैं, तो क्या होता है, जो भी कंज्यूमर होता है वो आपका पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। थर्ड आपका है इसमें जो आपका है एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ, ठीक है। एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ, इसे हम आपका स्लाइडिंग स्केल टैरिफ भी कहते हैं, इसको हम स्लाइडिंग स्केल टैरिफ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए इसमें जो भी पावर फैक्टर को एक ऐसा आपके बेस के रूप में, मतलब बेस वैल्यू के रूप में ले लिया जाता है, जैसे माना कि हम क्या करेंगे, किसी भी उपकरण का, सारे उपकरणों का जो एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज पावर फैक्टर वैल्यू होगी, माना वो 8 0.8 है, ठीक है, 0.8 है, ठीक है। अगर कोई भी कंज्यूमर अगर क्या है कि आपका 0.01 के वैल्यू के रूप में अगर इसमें कोई अंतर लाएगा, ठीक है, अगर कम करेगा तो 0.01 के अकॉर्डिंग उसको आपका मतलब दंड के रूप में मतलब देना पड़ता है, अगर 0.88 से अगर 0.01 के अंतर के साथ अगर ये इम्प्रूव करता है तो उसको पुरस्कार के रूप में उसको कुछ छूट बारी मतलब उसकी रियायत दी जाती है, ठीक है। तीस तरह से कह सकते हैं कि जो एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ है इसमें भी हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तीस तरह से था आपका एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ, ठीक है। तो अगर इसमें एक बार और बताना है तो क्या है कि कोई भी माल्य उपभोक्ता है ठीक है, तो उसका जो एवरेज पावर फैक्टर है 0.8 माना है, ठीक है, निर्धारित किया है, अगर 0.88
8 है, अगर 0.01 की रेट के साथ अगर कम होगा तो उसको विलंब मतलब कह सकते हैं या दंड के रूप में उसको आपको पैसे पे करना पड़ेगा। अगर 0.01 के साथ अगर सुधार करता है तो उसको हम कह सकते हैं पुरस्कार धनराशि के रूप में उसे दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से का क्या है आपका छठवां था पावर फैक्टर टैरिफ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आप पीक लोड टैरिफ जो आपके सिलेबस में है दिया है। ठीक है, तो इसका काम देखिए क्या है कि आप पीक लोड टैरिफ देखिए क्या है, बताता हूँ। आप पीक लोड टैरिफ को जानने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। जैसे क्या है कि कोई भी आपका कंज्यूमर हो, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर हो रहता है, ठीक है, वो दिन हो चाहे रात, दिन और रात को मिला के 24 घंटे में 24 आवर में कभी भी उसका लोड एक समान नहीं होता है। मतलब जो भी उसका लोड होता है वो फिक्स नहीं रहता है। दिन या रात के समय में कुछ समय तक कुछ घंटे ऐसे होते हैं जो आपका जो भी लोड जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है वो कम रहता है, जिसे हम आपका सिकरहीन मतलब आपका आपका सिकरहीन आपका लोड कहते हैं। ठीक है, सिकरहीन लोड कहते हैं। ठीक है, तथा इसके अलावा कुछ ऐसे घंटे होते हैं जहाँ पे उसको जो भी उसका इलेक्ट्रिकल लोड होता है वो आपका एवरेज होता है, तो जिसे हम आपका एवरेज लोड कंडीशन कहते हैं। तथा कुछ घंटे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उसका क्या है कि बिल्कुल ही लोड नहीं होता है, ना के बराबर होते हैं, उस लोड को हम ऑफ लोड स्थिति कहते हैं। इस समय जो भी उपभोक्ता अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर उपयोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना चाहता है उसे उसे विशेष छूट दी जाती है। इसी प्रकार की टैरिफ को ही हम ऑफ पीक लोड टैरिफ कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या है, माना कि कोई भी 24 आवर दिन रात मिला के घंटे हैं, इसमें कुछ ऐसे घंटे होते हैं जहाँ पर आपका ऐसा होता है कि कुछ घंटे ऐसे होते हैं जो विद्युत भार बिल्कुल कम रहता है। ठीक है, जिसे हम सिकरहीन भार कहते हैं। कुछ घंटे ऐसे भी होते हैं जिसमें औसत मतलब उसका औसत लोड का जो मान औसत रहता है, जिसे हम एवरेज लोड मतलब आपकी स्थिति कहते हैं। तथा कुछ घंटे ऐसे भी हो जाते हैं जो विद्युत भार अत्यंत कम रहता है, जिसे हम आपका अभारित या ऑफ लोड स्थिति कहते हैं। तो जिस समय लोड बिल्कुल कम रहता है, ठीक है, जैसे मैं बता इससे पहले क्लास बताया था कि रात के समय आपका रहता है लोड बिल्कुल कम रहता है, ठीक है, 10 बजे के बाद, तो उस समय अगर कोई भी उपभोक्ता है जो चाहता है कि उसकी मतलब क्या हो इस समय मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना है तो उसे विशेष प्रकार की रियायत दी जाती है, छूट दी जाती है। ठीक है, तो इसका प्रयोग मुख्यतः हम आपके जो भी सिंचाई कार्य हेतु के लिए किया जाता है, या कि आपका जो भी वाटर पंप होते हैं, इन सब स्थितियों में मतलब आपका मतलब इस रियायत के तौर पे छूट दी जाती है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, देखिए इसमें क्या है कि लोड फैक्टर बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। इसका जो भी आपका मेरिट है इसमें क्या है कि लोड फैक्टर इसमें बढ़ने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है, लोड फैक्टर अगर बढ़ेगा तो टैरिफ आपका सस्ता होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इस प्रकार की टैरिफ में जो भी आपका सप्लायर हो तथा कंज्यूमर हो दोनों को इसमें आपके फायदे होते हैं। ठीक है, तो ये टैरिफ आपका महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका इसमें आपका सीजनल है, क्या है आपका सीजनल टैरिफ है, सीजनल टैरिफ। ठीक है, सीजनल टैरिफ का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार की टैरिफ जिस वर्ष भर में अलग अलग आपके मतलब सीजन में उसका अलग मतलब सीजन के अकॉर्डिंग क्या हो टैरिफ को मतलब निर्धारित किया जाए, तो इस प्रकार की टैरिफ को हम क्या कहेंगे आपका सीजनल टैरिफ।
जैसे मान लिया गर्मियों के दिनों में कुछ और रहेगा, ठंडियों के दिन में कुछ और रहेगा, बरसात के दिनों में कुछ अलग ही टैरिफ रहता है। तो सीजन के अकॉर्डिंग अगर कोई टैरिफ फिक्स की जाती है तो इस प्रकार के टैरिफ को हम क्या कहेंगे, सीजनल टैरिफ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट है आपका मल्टी टैरिफ। तो मल्टी टैरिफ का सीधे कॉन्सेप्ट ये है कि इसके ऊपर के जितने भी टैरिफ थे, यदि किसी किन्हीं दो टैरिफ को ऐड करके कोई भी किसी भी टैरिफ को हम मतलब टैरिफ निर्धारित करते हैं, तो इस प्रकार के प्राप्त टैरिफ को हम क्या बोलेंगे, मल्टी टैरिफ कहते हैं। ठीक है, तो ये है बस आपका, ये था अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया टैरिफ क्या होता है तथा टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं। बस इतना ही, टैरिफ आपका खत्म हुआ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।